Hey guys, my name is Deepshika and welcome to my channel DJ The Wayfarer. Well, आज से I'm gonna start a new series of track and travel guides and this would be the first video of this travel guide series. And today I have come up with a new travel guide of a new place and I know that you have already got the idea from the title itself. Yes. It is one of the most beautiful tracks in India. So today's video is about Valley of Flowers and Hemkund Sahibji track. And I am going to provide you complete information regarding the track and how you can plan this track, how you can prepare yourself for the track, what should be the ideal budget for this track and what is the best time to do this track. Ke saath hi main aapse kuch hacks, kuch tips, tricks bhi share karne wali hoon. एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो तो कर ही लेना एंड वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और इसके अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी ट्रैक की रिगार्डिंग नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जंप इन टू द वीडियो Today's video will be in 6 parts. Number 1, where is the track? Number 2, how to reach Valley of Flowers? Number 3, itinerary? Number 4, accommodation? Number 5, budget for the track? And number 6, tips and some tricks or hacks. The timestamp is also there, so you can just switch to a specific section. सबसे पहले बात करते हैं that where is this track? So Valley of Flowers is located in the Chamoli district in the state of Uttarakhand. It is a national park and also a UNESCO World Heritage Site. The altitude of Valley of Flowers is 11,000 to 12,500 feet approx. And difficulty level is easy to moderate. बहुत ज़्यादा difficult नहीं है ये track. And the best time to do this track is from mid-July to mid-August. सो ये वो टाइम है जब आपको वैली में सबसे ज़्यादा फ्लावर्स देखने को मिलेंगे वैसे तो वैली जो है वो जून में ही ओपन हो जाती है एंड उसके बाद वो सितंबर और मिड अक्टूबर तक ओपन रहती है बट मिड जुलाई टू मिड अगस्त इज़ द बेस्ट सीज़न क्योंकि हर कोई वहाँ पे फ्लावर्स देखने जाना चाहता है ऑब्वियसली वैली ऑफ फ्लावर्स है तो ये वो टाइम है जब वहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्लावर्स आपको देखने को मिलेंगे तो अब आपको ये तो पता चल गया कि वैली ऑफ फ्लावर्स है कहाँ पर अब बात करते हैं कि वैली ऑफ फ्लावर्स तक जाएंगे कैसे नाउ लेट मी टेल यू दैट द बेस विलेज फॉर दीज टू ट्रैक्स इज घांगरिया एंड घांगरिया तक पहुँचने के लिए आपको सबसे पहले पहुँचना होगा हरिद्वार या फिर ऋषिकेश उसके बाद ऋषिकेश से 9 से 10 घंटे की बहुत लंबी लेकिन काफ़ी सीनिक ड्राइव के बाद आप पहुंचते हो जोशीमठ जो कि उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट का काफ़ी बड़ा और मेजर सिटी है एंड दिस इज़ आल्सो बेस फॉर मैनी अदर हिमालयन ट्रैक्स बट जोशीमठ इजंट योर डेस्टिनेशन अभी आपको जोशीमठ से 20 किलोमीटर्स आगे गोविंद घाट नाम की एक जगह है वहाँ तक पहुँचना है एंड वहाँ से ही आपका ट्रैक स्टार्ट होगा अब ऋषिकेश से गोविंद घाट या फिर जोशीमठ तक पहुंचने के लिए आप बस से आ सकते हो या फिर आप शेयर्ड कैब भी ले सकते हो शेयर्ड कैब ऋषिकेश से काफ़ी इजीली मिल जाती हैं जोशीमठ तक के लिए एंड गोविंद घाट तक के लिए भी मिल जाती हैं इसके अलावा प्राइवेट कैब का ऑप्शन तो रहेगा ही अगेन ऋषिकेश से गोविंद घाट तक की जर्नी जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है सो यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दैट सो अब गोविंद घाट भी पहुँच गए तो अब बात करते हैं कि आइटनरी क्या रहेगी ट्रैक की सो अगर आप हेमकुंड साहिब जी ट्रैक भी इंक्लूड करते हो अपनी आइटनरी में सो आपको 5 दिन चाहिए होगा ऋषिकेश से ऋषिकेश ये ट्रैक करने के लिए एंड अगर आप हेमकुंड साहिब जी ट्रैक नहीं करना चाहते हो तो आपका ये ट्रैक जो है वो 4 दिन में हो जाएगा सो डे 1 रहेगा आपका ऋषिकेश से गोविंद घाट तक पहुँचने का उसके बाद 2nd डे से आपका ट्रैक स्टार्ट हो जाएगा घांगरिया के लिए नाउ गोविंद घाट से घांगरिया का ट्रैक वैसे तो 14 किलोमीटर्स का है लेकिन अभी कुछ सालों से गोविंद घाट से पुलना नाम की एक जगह है जो कि 4 किलोमीटर आगे है तो गोविंद घाट से पुलना तक के लिए मोटरेबल रोड बना दी गई है तो 4 किलोमीटर्स आपका ट्रैक डिस्टेंस यहाँ पर कम हो जाएगा एंड आपका जो टोटल ट्रैक डिस्टेंस रहेगा वो 10 किलोमीटर्स का रहेगा
ये डिस्टेंस कवर करने के लिए आपको 6 से 7 घंटे का टाइम लग जाएगा। ट्रैक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इट्स अ ग्रेजुअल असेंट बट इट इज़ लॉन्ग। इसके अलावा व्यूज़ बहुत ही कमाल के देखने को मिलेंगे आपको यहाँ पर, एंड थ्रू आउट द ट्रैक बहुत सारे वाटरफॉल्स आपको इस ट्रैक में देखने को मिलेंगे। एंड गोविंद घाट से घांगरिया जाने का एक ऑप्शन ये भी है कि आप हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हो। सो हेलीकॉप्टर के जो चार्जेस हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 4,000 पर पर्सन रहेंगे फॉर राउंड ट्रिप। सो डे टू आपका जो स्टे रहेगा वो घांगरिया में रहेगा, एंड इनफैक्ट अगले 3 दिन तक आपका स्टे जो है वो घांगरिया में ही रहने वाला है। सो इवनिंग में आप मार्केट एक्सप्लोर कर सकते हो, एंड उसके बाद डे 3 विल बी द मोस्ट अवेटेड पार्ट ऑफ योर जर्नी। इट इज़ द डे टू ट्रैक टू वैली ऑफ फ्लावर्स। सो इसके लिए आपको घांगरिया से काफ़ी जल्दी स्टार्ट करना होगा। नाउ घांगरिया विलेज से थोड़ा सा बाहर निकलते ही आपको 2 रास्ते दिखाई देंगे। एक रास्ता जो है वो वैली ऑफ फ्लावर्स की तरफ जाता है, एंड दूसरा रास्ता जो है वो हेमकुंड साहिब जी की तरफ जाता है जहाँ पे आपको नेक्स्ट डे ट्रैक करना है। सो फॉर वैली ऑफ फ्लावर्स यू हैव टू टर्न लेफ्ट। नाउ वैली ऑफ फ्लावर्स की ट्रेल पे थोड़ा सा आगे जाते ही आपको एक चेक पोस्ट मिलेगा, वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन होगा एंड एंट्री फी वुड बी लाइक 150 to 200 पर पर्सन। नाउ अगेन यू शुड स्टार्ट एज अर्ली एज यू कैन फ्रॉम घांगरिया विलेज, क्योंकि आपको इवनिंग में 5 बजे तक वापस इसी चेक पॉइंट पर अपना एग्जिट भी कन्फर्म कराना होता है। वैली ऑफ फ्लावर्स तक पहुँचने का रास्ता बहुत खूबसूरत है, एंड आपको हर 5 मिनट में फोटोग्राफी ब्रेक के लिए रुकना ही पड़ेगा। रास्ते में आपको पुष्पावती रिवर भी देखने को मिलेगी, विच लुक्स सो डेंजरस बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग फ्लो बट अमेजिंगली ब्यूटिफुल एट द सेम टाइम। नाउ वैली तक पहुंचने में आपको अप्रॉक्स 3 आवर्स लग जाएंगे, एंड वैली जो है वो 8 किलोमीटर लॉन्ग है। सो दिस इज़ अप टू यू दैट हाउ लॉन्ग यू कैन मेक इट इन अ डे। नाउ आई वुड रिकमेंड दैट यू शुड ट्राई टू मेक इट टिल रिवर बेड विच इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल एंड फुल ऑफ फ्लावर्स, और हमें भी सबसे ज़्यादा फ्लावर्स वहीं पर देखने को मिले थे। नाउ बिकॉज दिस इज़ अ नेशनल पार्क यू कैन नॉट स्टे और कैंप इन साइड द वैली, सो योर स्टे वुड बी इन घांगरिया ओनली। अब आता है डे 4। नाउ टुडेज ट्रैक इज गोना बी वेरी स्ट्रेन्यूअस। टोटल 6 to 7 किलोमीटर्स का ये ट्रैक रहेगा, एंड ये डिस्टेंस कवर करने में आपको अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 आवर्स का टाइम लग जाएगा। सो इसलिए आपको घांगरिया से काफ़ी जल्दी निकलना पड़ेगा। नाउ हेमकुंड साहिब जी का जो गुरुद्वारा है वहाँ का ऑल्टीट्यूड है 15,200 फीट, जो वैली ऑफ फ्लावर्स के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। और ये ट्रैक जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टीप ट्रैक भी है, इसलिए इसका डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट ही रहता है। बट एक अच्छी बात ये है कि यहाँ पे इस ट्रैक को करने के लिए म्यूल्स भी अवेलेबल रहते हैं, एंड म्यूल्स का जो चार्जेस है पर पर्सन दैट इज़ समवेयर बिटवीन 800 to 1,000 पर पर्सन। इसके अलावा इस ट्रैक में खाने पीने का भी कोई इशू नहीं रहता है, क्योंकि रास्ते में जो है वो बहुत सारे फूड जंक्शंस अवेलेबल है यहाँ इस ट्रैक में। सो खाने के लिए आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, और जब आप गुरुद्वारा पहुँच जाओगे तो वहाँ पे भी आपको गुरुद्वारे का प्रसाद जो है वो आप लंच में खा सकते हो।
सो हेमकुंड साहिब जी गुरुद्वारा जो है गुरुद्वारे के पास ही एक छोटी सी ग्लेशियर लेक भी है एंड सामने ही आप ग्लेशियर देख सकते हो जहाँ से लेक में पानी आता है। वेदर इज हाईली अनप्रिडिक्टेबल हेयर, सो एक मिनट में यहाँ पर वेदर चेंज हो जाता है। तो जब हम पहुँचे थे तब तो वेदर काफ़ी ज़्यादा क्लीन था और सब कुछ बहुत ही क्लियर दिखाई दे रहा था एंड विद इन मिनट्स द गुरुद्वारा एंड द लेक इट्स ऑल इज कवर्ड इन क्लाउड्स। सो ट्राई टू रीच एज अर्ली एज पॉसिबल क्योंकि मॉर्निंग टाइम में वेदर थोड़ा सा बेटर रहता है व्यू वाइज, व्यूज आपको अच्छे से देखने को मिलेंगे एंड इसके अलावा जैसे जैसे टाइम ज़्यादा होता जाता है तो वेदर काफ़ी क्लाउडी हो जाता है। यू कैन ऑल्सो फील अ लिटिल ब्रेथलेसनेस हियर ड्यू टू हाई ऑल्टीट्यूड, बट इफ इट गेट्स सिवियर देन यू शुड इमिडिएटली क्लाइम डाउन टू लोअर ऑल्टीट्यूड्स टू प्रिवेंट फ्रॉम AMS। नाउ यहाँ पे वैली ऑफ फ्लावर्स की तरह कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको इवनिंग में इतने बजे तक वापस आना है, लेकिन फिर भी इट इज़ एडवाइजेबल that you should start your return journey by 2 or 3 p.m. so that you reach Ghangariya before it gets dark. Now again this night would be in Ghangariya only. Now day 5 and today you need to trek back to Govindghat from Ghangariya. एंड गोविंद घाट पहुँचने के बाद यू कैन टेक अ बस और अ शेयर्ड कैब टू रीच ऋषिकेश और हरिद्वार और वहाँ से आप अपने रिटर्न जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप सेम डे गोविंद घाट से ऋषिकेश ट्रैवल करते हो तो इसके लिए आपको घांगरिया से काफ़ी जल्दी निकलना पड़ेगा क्योंकि घांगरिया से गोविंद घाट तक का ट्रैक करने में अगेन आपको चार घंटे के अप्रॉक्स टाइम लग जाएगा। सो गाइज ये रहती है आपकी आइटनरी वैली ऑफ फ्लावर्स और हेमकुंड साहिब जी ट्रैक के लिए। सो आइटनरी का भी हो गया, अब बात करते हैं एकोमोडेशन की। सो ऋषिकेश से फर्स्ट डे आप ट्रैवल करने के बाद या तो जोशीमठ में या फिर गोविंद घाट में स्टे करोगे एंड इन दोनों ही जगह पे आपको काफ़ी इजीली गेस्ट हाउस या फिर बजट होटल के ऑप्शंस मिल जाएंगे। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट 3 nights के एकोमोडेशन होगा वो घांगरिया में रहेगा। घांगरिया में भी आपको बहुत सारे बजट होटल और गेस्ट हाउसेज बहुत ही ईजिली मिल जाएंगे, तो यहाँ पर भी सब सॉर्टेड है। अब आती है बारी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की जो है बजट। सो व्हाट शुड बी द बजट फॉर दिस ट्रैक, बजट के बारे में बात कर लेते हैं। सो बजट के लिए मैं आपको एक जनरल आपका जो क्या बजट रहेगा उसका आइडिया दे देती हूँ। सो मान के चलते कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रहे हो, सो ऋषिकेश से गोविंद घाट तक पहुँचने और गोविंद घाट से वापस ऋषिकेश या हरिद्वार तक पहुँचने कि आपकी जो जर्नी रहेगी उसका अप्रॉक्सीमेटली जो चार्ज रहेगा वो रहेगा अप्रॉक्स 1500 पर पर्सन। एंड इसके बाद जोशीमठ में हम मान के चलते हैं कि फर्स्ट नाइट आपने स्टे किया और उसके बाद डे 5 जब आप घांगरिया से वापस गोविंद घाट ट्रैक करके आते हो तो आप गोविंद घाट या जोशीमठ में स्टे करते हो। सो फर्स्ट और लास्ट डे का जो आपका स्टे रहता है गोविंद घाट या फिर जोशीमठ में दैट वुड बी अप्रॉक्सीमेटली 1000 पर पर्सन। इसके अलावा जो आपका घांगरिया में 3 nights का एकोमोडेशन रहता है दैट इज़ 500 rupees डेली। सो 1500 टोटल आपका घांगरिया में स्टे का लगेगा एंड फूड का अगर हम लेके चलें तो 2000 टू 2500 के अप्रॉक्सीमेटली आपको फूड का लगेगा फॉर 4 to 5 days पर पर्सन। सो इन टोटल आपका जो बजट रहेगा इस ट्रैक को करने का दैट विल बी 5 to 6000, 5 से 6000 में ये ट्रैक आप काफ़ी आराम से कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप हेमकुंड साहिब जी का ट्रैक जो है वो म्यूल्स पे करते हो या फिर गोविंद घाट से घांगरिया पहुंचने के लिए आप म्यूल्स अगर यूज़ कर रहे हो तो इन सब का चार्ज जो है वो एक्स्ट्रा रहेगा। नाउ आई थिंक कि आपको ट्रैक के बारे में काफ़ी कुछ ऑलरेडी पता चल गया है एंड वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को। सो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ हैक्स के बारे में अगर आप ये ट्रैक प्लान करने का सोच रहे हो तो। अब आपकी जर्नी की शुरुआत होती है ऋषिकेश से एंड ऋषिकेश से आपको गोविंद घाट या फिर जोशीमठ पहुंचने के लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है। सो आई वुड रेकमेंड कि आप एक नाइट जो है वो ऋषिकेश में ही स्टे करो। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपकी बॉडी को थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा एंड उसके बाद नेक्स्ट डे जब आप इतनी ज़्यादा लंबी ट्रैवलिंग करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा टायरिंग नहीं लगेगा। अदरवाइज़ क्या होता है कि जब हम कंटिन्यूसली ट्रैवल करते हैं और उसके बाद आपको
वेरी नेक्स्ट डे से आपका जो है वो ट्रैक स्टार्ट हो जाता है, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो ट्रैक को इंजॉय नहीं कर पाते। ट्रैक कर तो लेते हैं लेकिन उसको इंजॉय करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ट्राई टू स्टे वन नाइट एट ऋषिकेश ओनली। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज कि गोविंद घाट से जब आप अपना ट्रैक स्टार्ट करते हो तो गोविंद घाट से पुलना तक के लिए शेयर टैक्सी चलती है, जिसका पर पर्सन अप्रॉक्सीमेटली 40-50 रुपीज़ के अराउंड होता है। बट इट कैन डेफिनेटली सेव योर एनर्जी, क्योंकि इसके बाद भी ट्रैक जो है वो 10 किलोमीटर्स का, उसको करने में आपको अप्रॉक्सीमेटली 6 आवर्स का टाइम लग जाता है। इसके अलावा दिस इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस। अगर आप 14 किलोमीटर का ट्रैक करना चाहते हो तो आप अपना ट्रैक गोविंद घाट से स्टार्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप गोविंद घाट से पुलना तक के लिए शेयर्ड कैब लेके फिर पुलना से अपना ट्रैक स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन रहता है कि गोविंद घाट से आप अपना जो लगेज है, अगर आपके पास लगेज बहुत ज़्यादा है तो आप अपना लगेज जो है वो आप म्यूल्स पर भी लोड करवा सकते हो, एंड वो जो आपका लगेज है वो आपको घांगरिया पहुंच के मिल जाता है। एंड नंबर फोर्थ इज़ दैट यू शुड ट्राई टू स्टार्ट अर्ली एवरी डे सो दैट यू कैन हैव इनफ टाइम टू एक्सप्लोर, इन्जॉय एंड फोटोग्राफी। इसके अलावा क्योंकि मानसून ट्रैक है तो आपको रेन गियर्स काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आपको अपने बैग के लिए रेन कवर और अपने लिए पोंचो या फिर रेन प्रूफ्स, ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी, एंड अम्ब्रेला, वो भी आपको हमेशा कैरी करके रखना होगा। सो अगर आप ये चीज़ें नहीं कैरी कर रहे हो अपने साथ, तो आप ये सब चीज़ें गोविंद घाट से भी रेंट कर सकते हो, एंड ये सारी गियर्स आपको बहुत ही चीप प्राइस में गोविंद घाट से मिल जाएंगे। नंबर 7 इज़ दैट सम प्लांट्स कैन बी एलर्जिक अगर आप वैली ऑफ फ्लावर्स की काफ़ी अंदर तक जा रहे हो, सो ट्राई टू अवॉइड वेयरिंग शॉर्ट्स ऑन दैट डे। ऑल्सो देर इज़ नो फूड जंक्शन ड्यूरिंग योर वैली ऑफ फ्लावर्स ट्रैक, सो आपको अपना जो लंच है वो घांगरिया से ही पैक करके लाना होगा, एंड लंच के लिए कुछ पॉइंट्स डिसाइडेड हैं वैली के अंदर, सो यू शुड ट्राई टू फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस। आपको वहीं पे ही अपना लंच करना होगा, आप कहीं पर भी अपना लंच नहीं कर सकते वैली के अंदर, बिकॉज इट कैन बी डेंजरस फॉर योर हेल्थ। सो पॉइंट नंबर 9 इज़ जब आप हेमकुंड साहिब जी का ट्रैक करते हो, क्योंकि ऑल्टीट्यूड काफ़ी ज़्यादा है इस प्लेस का, तो आपको AMS का प्रॉब्लम भी हो सकता है। सो अगर कहीं पे आपको AMS के कुछ सिम्टम्स लाइक हेडेक या नोज़िया ऐसा कुछ फील हो रहा है, तो आपको एक ही जगह पे रुकना चाहिए, अपनी बॉडी को आपको कुछ टाइम देना चाहिए सो दैट योर बॉडी कैन अडेप्ट टू दैट ऑल्टीट्यूड, और इसके बाद जब आपको थोड़ा इजी लगे उसके बाद ही आपको अपना ट्रैक कंटिन्यू करना चाहिए। नाउ पॉइंट नंबर 10, सो हेमकुंड साहिब जी का जो ट्रैक है दैट इज़ मोस्ट फेमस फॉर ब्रह्म कमल एंड अदर हिमालयन फ्लावर्स, सो कीप एन आई ऑन योर सराउंडिंग्स। नाउ पॉइंट नंबर 11 दैट एवरी डे जब आप अपने ट्रैक करके वापस घांगरिया आते हो, तो घांगरिया का इवनिंग में अगर आप चाहो तो घांगरिया का मार्केट जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हो, एंड यू कैन ऑल्सो इन्जॉय सम यमी एंड वेरी टेस्टी फूड्स, पराठाज, मैगीज इन घांगरिया। पॉइंट नंबर 12 इज़ देर आर प्लेंटी ऑफ फुट मसाज वालाज अवेलेबल इन घांगरिया विलेज, सो यू कैन हैव अ रिलैक्सिंग फुट मसाज ओवर देयर आफ्टर योर ट्रैक। Now number 12 is there is no network at all for 4 days once you start your track, but in Ghangariya there are so many BSNL landline phones set up in the shops, so aap chaho to unki phones use kar sakte ho, and maine bhi use kiya tha apne parents ko inform karne ke liye, and the charges are like 10 rupees per minute. Yes, it is too costly. Now point number 14 is that you can also stay at Gurudwara at no cost in Govind Ghat and Ghangariya as well. And now point number 15, which is very important, that you should also try to have buffer days in hand because ye monsoon track hai aur monsoon mein Uttarakhand mein kafi zyada landslides hote hain. So hame apni return journey mein Joshimath se Rishikesh pahunchne mein 2 din lag gaye the because of so many landslides. सो आपको उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा कि अगर आप लैंडस्लाइड्स में कहीं पे फंस जाते हो तो आपको और टाइम लग सकता है। अब मैंने आपको इतने सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं, तो एटलीस्ट वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस एनी नोटिफिकेशन ऑफ न्यू अपलोड्स, और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। बस मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।